क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे दो प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरिंग के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे।